अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल वीडियो रेगुलरली नहीं डाल रहा, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। मैं जा रहा था फैसलाबाद, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो छोटी रिकॉर्ड करके डाल ली जाए, ताकि चैनल का फ्लो है जो वो बना रहे, टूटे ना। तो इसलिए आज की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बाल भी इस तरह के मैं लेने गया था हेलमेट फैसलाबाद, आपको पता है पिछली वीडियो में। तो हेलमेट मैंने ले लिया, पसंद आया था, बाइक के साथ कलर मैच कर रहा था, तो हेलमेट मैंने ले लिया। तो मैंने उसको माउंट भी लगा लिया, मोबाइल भी लगा लिया। तो इशू क्या आ रहा है, पहले तो मोबाइल पे इशू आ रहा था कि जो उसका एंगल है मोबाइल का वो वाइड नहीं है। तो वाइड एंगल ना होने की वजह से ना बाइक आती है, अगर बाइक लेके आऊँ तो फिर सड़क नहीं आती, अगर सड़क लेके आऊँ तो फिर बाइक नहीं आती। एक तो ये इशू था। दूसरा इशू आ रहा था माइक का। पहले तो मैंने कोशिश की है कि किसी मोबाइल का जो हैंड फ्री का माइक होता है वो इस्तेमाल करूं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नॉइस कैच कर रहा था। आप मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो आपको मैं इस वीडियो में वो वीडियोस भी दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क आ रहा था, तो क्या मसला था। तो पहले तो मैं दिखाता हूँ ये वाली वीडियो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं रोड पे, तो घर में मैंने वहाँ से रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हम अभी रोड पे आ चुके हैं। तो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर ली है मैंने। तो ये मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग होगा। तो मैंने साइकिल तो अपना तैयार कर लिया है, हेलमेट वगैरह बिल्कुल, माइक मैंने लगा लिया है। तो अभी आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी, बाइक की आवाज़ आपको आ रही होगी कि नहीं। तो कोशिश तो मेरी यह है कि आपको हर तरीके से वीडियोज को इंजॉय करवाया जाए, आपको दूसरे ब्लॉग्स भी लेके आ जाए और आपके साथ ये मोटो ब्लॉग्स भी लेके आ जाए, ताकि आप दोनों कैटेगरीज जो है एंजॉय कर सके। तो ये मेरे दाया समुद्री का मशहूर गैराज था, गैराज। अभी एंगल पता नहीं कैसा आ रहा है सामने, तो मैं घर जाके देखूंगा, अगर तो ये एंगल ठीक हुआ तो फिर आपको ये वीडियो दिखाई जाएगी, वरना नहीं दिखाई जाएगी। ऐसी गाड़ी का चलता नहीं है और गर्मी ज्यादा है, तो बाहर से आवाज ज्यादा आ रही है, तो मैंने अभी शीशा बंद कर लिया कि ताकि बाहर की नॉइज है वो ना आ सके। तो ऐसा था कि मैंने फिर वो वीडियो जो थी वो नहीं लगाई, तो आपने भी देख लिया कि कितनी ज्यादा नॉइज आ रही है उसमें, तो फिर मैंने वो नहीं लगाई। फिर मैंने नेक्स्ट डे रात टाइम मेरा भाई चाइना से लेके आया था लेंसेज वगैरह, तो वो मैंने लेंसेज वगैरह लगा के देखे, वाइड एंगल लेंसेज थे वो, तो वो लगाए तो मेरे मोबाइल का जो है स्टेबलाइजर ऑन था, तो मैंने देखा कि वो नहीं, अच्छी फुटेज नहीं आ रही। तो मैंने लेंसेज उतार दिए और स्टेबलाइजर भी खत्म कर दिया। तो मैंने कहा चलो अब स्टेबलाइजर जब खत्म किया तो मोबाइल का एंगल पहले की निस्बत ज्यादा वाइड हो गया। तो फिर मैंने वो भी रिकॉर्ड किया, और जो माइक था मेरे पास बोए का, फिर मैंने वो लगा के उसकी रिप्लेसमेंट की है हेलमेट में, और फिर रिकॉर्ड की है एक वीडियो। तो उस वीडियो में भी उस वीडियो में हुआ ये है कि माइक जो था मेरे बिल्कुल फेस के सामने है, ऐसे पास था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लाउड बोल रहा था, तो उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा आवाज कैच की है उसने। तो वो भी वीडियो मैंने फिलहाल डिस्कार्ड कर दी है। पेट्रोल पंप आ गया, पेट्रोल भरा ले यहाँ पे, फिर बात करते हैं आपसे। पेट्रोल जी मैंने डलवा लिया है, तो अंधेरा काफी हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ जो फुटेज मैंने दोबारा दूसरी दफा रिकॉर्ड की थी, तो पहले वो आप वो फुटेज देख लें। अभी बाजार से इंटर होते हैं, तो देखते हैं कि बाजार क्या मसरूफियत है इस वक्त। बाजार वालों ने कहना यार ये कैमरे लगा के घूम रहा है, पता नहीं कौन है। तो कोई बात नहीं, ये समुद्री में पहली दफा ही ऐसा कोई करने लगा है मेरे ख्याल से, तो थोड़ी सी हैरानी परेशानी तो होगी उन्हें। कोई नहीं, होती है तो होने दें, खैर है।
आप सामने देख रहे हैं 14 अगस्त के झंडे वगैरह यहाँ पे लगे हैं, स्टार्स वगैरह लगे हुए हैं। तो रश अभी कम है क्योंकि जुमे का टाइम है, अभी रश कम है। तो रात के वक्त जो रश है वो ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो बाजार है यहाँ पे कोई ना, तो ये देख सकते हैं आप कितना रश पड़ा हुआ है स्टार्स पे, कितने झंडे वगैरह दिखाए जा रहे हैं। तो ये देख लें आवाम यहाँ पे खरीदारी के लिए निकली हुई है यहाँ पे। तो लोग देख रहे थे कि ये जीपो की वो जुबा कहाँ से उठ के आ गया, अभी भी देख रहे हैं कैमरा लगा के, कौन है ये बंदा जो कैमरा लगा के घूम रहा है। तो जी ये वीडियो अभी यहीं पे खत्म करते हैं। तो देखते हैं रात को अगर मेरा मूड हुआ तो रात को निकलेंगे, रात को दिखाएंगे कि रात को क्या सूरत है समुद्री की, अगर ये वीडियो अच्छी बनी तो। देखा जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो में आवाज पहले की निस्बत तो क्लियर है और एंगल भी ठीक है, लेकिन इसमें जर्क ज्यादा आ रहा है और इसमें जी आवाज जो है वो ज्यादा फट रही है, क्योंकि मैंने मुंह के करीब मेरे माइक था तो आवाज फट रही थी। तो इसकी वजह से जो मेरा मोटो ब्लॉग का सेटअप है फिलहाल के लिए तो वो फेल हो चुका है। तो अभी मैं कुछ और सोचूंगा। तो गर्मी हो रही है गाड़ी में ज्यादा और मैंने शीशे किए हैं बंद। चांद रात कह लें से तो आप फैसलाबाद मैं पहुंच चुका हूं। तो फैसलाबाद का कुछ मंजर है तो वो मैं आप दिखाता हूं ये अभी आपको, तो आप ये मंजर एंजॉय करें।